News 24 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। जशपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आदिवासी विभाग में नियुक्ति के इस पूरे मामले में आपको बता दें कि फर्जी नियुक्ति की जांच के आदेश जारी हो गए हैं। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं, जांच के लिए टीम का गठन भी किया गया। News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। फर्जी नियुक्ति की जांच के आदेश जो हैं वो जारी हुए हैं। तो आदिवासी विभाग में नियुक्ति के इस पूरे मामले में आदेश जो हैं वो जारी हो गए हैं। News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। फर्जी नियुक्ति की जांच के आदेश अब जारी हो गए हैं, कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आदिवासी विभाग में फर्जी नियुक्ति का जो मामला था वो सामने आया, उसके बाद News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लिया गया और अब कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं और साथ ही जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया गया है। अजय सूर्यवंशी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है, जांच के आदेश जारी हो गए हैं। जी अंजलि, आपको बता दूं कि आदिवासी विभाग में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है, जिसके बाद News 24 ने उस खबर को प्रमुखता से उठाया है। खबर के असर अब जशपुर जिला में देखने को मिल रहा है। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने उस आदिवासी विभाग में जो फर्जी नियुक्ति हुई थी, जिसमें 15 लोगों की नियुक्ति हो गई थी, उस पर एक जांच टीम गठित की है, जिसमें अपर कलेक्टर IL ठाकुर को के अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम का गठित किया गया है और 15 दिन के अंदर में जांच रिपोर्ट पेश करके उनको प्रस्तुत करना है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।